हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला भारतीय कौन थे? हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे दोस्तों? तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर हिंदी के अंदर भाषण दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? जो यूएनओ के अस्थाई अध्यक्ष हैं दोस्तों वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास दक्षिण सूडान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास विटामिन के। विटामिन के जो है खून का थक्का जमाने के काम आता है। अगर विटामिन के की हमारे अंदर कमी हो जाती है तो खून जो है वो जमता नहीं, यानी खून का थक्का नहीं बनता। जब हमारी कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसके ऊपर जो है खून का थक्का नहीं बनता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 14 सितंबर। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अंदर जो है संविधान के जो आर्टिकल नंबर 343 है उसके अंदर हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? या हम कह सकते हैं कि पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय कौन था दोस्तों? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 4 वर्ष बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका कहाँ हुए है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास रियो डी जनेरियो। 2016 के अंदर कहाँ हुए थे? रियो डी जनेरियो के अंदर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही के अंदर जो ओलंपिक खेल हैं वो कहाँ आयोजित हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंसें प्रसिद्ध हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास मुहरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुड़गांव। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो है दोस्तों वह कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी जो है दोस्तों वो बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 44,212। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चीन। चीन जो देश है उसकी स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? अगर बैरोमीटर के जो पठन के अंदर तेजी से गिरावट आती है तो इसका मतलब है
तूफान आने वाला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मारुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मारुस्थल का क्या नाम है दोस्तों? थार मारुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? असम के अंदर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है अपनी धुरी के ऊपर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपनी धुरी के ऊपर पृथ्वी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है दोस्तों? शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है उज्जैन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चांदी। चांदी जो है बिजली की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाई है, मानी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस के अंदर जो मुख्य रूप में पाया जाता है वो है दोस्तों मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए जो है राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? देवनागरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है दुग्ध मेघला या फिर मिल्की वे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है उदयंत मार्तंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरित हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा गया है? रामचरितमानस जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा अवधी भाषा के अंदर लिखा गया है। हिंदी की किस बोली के अंदर लिखा गया है? हिंदी की अवधी बोली के अंदर लिखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं दोस्तों? उदयमान हंस। कौन कहलाते हैं? उदयमान हंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी दोस्तों एथेंस यूनान के अंदर। कब हुई थी? 1896 में। कब हुई थी दोस्तों? 1896 में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है दोस्तों, अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एथेंस यूनान से। कब हुई थी? 1896 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है हॉकी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1980 मॉस्को में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4 वर्ष बाद होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है
लुसान स्विट्जरलैंड के अंदर, कहां पर है? लुसान स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है लंदन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज के अंदर कितने गोले हैं दोस्तों? पांच। और ये पांच गोले पांच महाद्वीपों को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास माइकल फेलप्स। कौन है? माइकल फेलप्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो 2020 के अंदर ओलंपिक खेल हुए थे टोक्यो जापान के अंदर। अब 2024 के अंदर जो है ओलंपिक खेल कहाँ होंगे ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है दोस्तों? बैडमिंटन से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो भारत ने जो है ओलंपिक खेलों में सन 1900 के अंदर सबसे पहले भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्णम मलेश्वरी। ओलंपिक खेलों के अंदर जो पहली महिला है जिसने पदक जीता था तो वो कौन थी? कर्णम मलेश्वरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैक टू दी वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास महर्षि दयानंद ने। किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास श्याम लाल गुप्त परिषद ने। श्याम लाल गुप्त परिषद ने जो है इसकी ये गीत लिखा था, कौन सा? झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास कैल्शियम। पशुओं के अंदर एक बीमारी हो जाती है दोस्तों मिल्क फीवर, जो कि कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो वो है गुर्दे किडनी। किडनी के द्वारा जो है रक्त को फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात हैं? यानी ये किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास शहनाई। ये क्या बजाते हैं दोस्तों? शहनाई। कौन? बिस्मिल्ला खां। ये आपको याद रखना है, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सी राजगोपालचारी। दोस्तों नोट कर लेना है, यहाँ पे लिखा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास रूस। भिलाई का जो है संयंत्र जो है इसका किस देश की सहायता से जो है स्थापना की गई है? तो वो है रूस की सहायता से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव के अंदर जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है हिमाद्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान की जुंको तबई। कौन थी? जापान की जुंको तबई थी, जो कि विश्व पूरे विश्व के अंदर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो है वो यकृत यानी लीवर का रोग है, इसमें लीवर खराब हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है पास्कल का नियम। किससे संबंधित है? पास्कल के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज जो है घटक क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस के अंदर क्या होता है? ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास जेम्स प्रिंसप ने। सबसे पहले अशोक के जो शिलालेख थे उसे किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस बुद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका करेक्ट आंसर है उपगुप्त। उपगुप्त के जो है प्रभाव से अशोक ने जो है बौद्ध धर्म जो है अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था यानी अशिक्षित था कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। अकबर कौन क्या था दोस्तों? एक अनपढ़ जो है मुगल बादशाह था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास गुरु रामदास ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। कब की थी? 1913 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास गुरु नानक देव जी। किसने शुरू की थी दोस्तों? गुरु नानक देव जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। नेक्स्ट देखते हैं,